भदोही के युवा की जिद, भारत होगा नशा मुक्त। 26 साल के सुमित सिंह ने शुरू किया महाअभियान। सुमित की लगन और जिद को देख देश के प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी भी हुए साथ। देखिए क्या है सुमित का सपना। सुमित की कहानी सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जिस उम्र में लोगों को होती है घर बसाने की चाहत, उस उम्र में सुमित कर रहे जन कल्याण। वेश्यावृत्ति के दंश को झेल रहे परिवारों का सुमित ने दिया साथ, तो देखिए कैसे बदल गए हालात। हर टीनेज भारतीय का सपना होता है अच्छी नौकरी और ब्यूटीफुल वाइफ, मतलब लाइफ सेट। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाएंगे जिसने सेट लाइफ के सपने के मिथ को गलत साबित कर दिया और कुछ ऐसा कर डाला जिसके दीवाने पीएम मोदी, सीएम योगी और तो और ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार भी हैं। नाम है इनका सुमित सिंह और काम है इनका देश को नशे से मुक्त करवाना। सुमित महज 26 साल के हैं, लेकिन इनकी दूरदर्शिता और सोच ऐसी है जो अच्छे अच्छों को मात दे जाए। दरअसल सुमित का ताल्लुक कालीन वाले शहर या फिर यूं कहें कि जिले भदोही से है। पूरे देश क्या दुनिया में ही कालीन नगरी के नाम से मशहूर भदोही का युवा भारत को नशा मुक्त बनाने का सपना संजोए हुए भारत यात्रा पर निकल रहा है। वकालत की पढ़ाई कर रहे भदोही औराई के रहने वाले सुमित सिंह हिंदुस्तान के 22 राज्यों के लगभग 5 करोड़ लोगों को जागरूक करने निकल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। सुमित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय नशा मुक्ति और पुनर्वास समिति के सदस्य भी हैं। अपने अभियान के लिए विदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं। सिर्फ सीएम योगी और पीएम मोदी ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गीतकार मनोज मुंतशिर के साथ साथ तमाम दिग्गज लोगों ने सुमित के इस काम की तारीफ की है और उनको अपना समर्थन दिया है, जिसमें अन्ना हजारे का भी नाम शामिल है। सहज व्यक्तित्व और मोहक मुस्कान के मालिक सुमित का अंदाज ही इतना निराला है कि कोई भी उनका दीवाना हो जाए। सहज अंदाज में सुमित जब अपनी बात लोगों के बीच रखते हैं तो फिर उनकी बात को सुने बिना कोई रह ही नहीं पाता। सामाजिक सेवा का जुनून सुमित पर ऐसा सवार है कि कारोबार भी संभाल रहे हैं और जन सरोकार को भी वक्त दे रहे हैं। सुमित की माने तो नशा देश और समाज के लिए वो जहर है जो धीरे धीरे हमारे युवाओं को निगल रहा है। युवा होने के साथ ही शास्त्र में महारत रखने वाले सुमित महाभारत और रामायण के तमाम उदाहरण देकर लोगों को समझाते हैं कि कैसे नशे ने परिवारों का विनाश कर दिया। मानव तो फिर भी एक तुच्छ प्राणी है। सुमित की माने तो ये पूरी यात्रा हम काशियाना फाउंडेशन के तहत कर रहे हैं और हमारी यात्रा की शुरुआत नए साल में 24 जनवरी से होगी और यात्रा का समापन 7 मार्च 2023 तक तय किया गया है। लगभग 40 दिनों की यात्रा के दौरान पूरी टीम 22 राज्यों का दौरा करेगी, 75 जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे और लगभग 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर इस यज्ञ का समापन किया जाएगा। अपनी यात्रा के बारे में सुमित बताते हैं कि जब वे वाराणसी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने नशा मुक्त भारत का सपना देखा था। इसके बाद पढ़ाई कर नौकरी करने का दबाव बना तो कुछ दिनों तक नौकरी भी की, लेकिन मन तो दूसरे कामों में ही लगा था। ऐसे में घर लौटे और कालीन का काम संभाल लिया और नशा मुक्त अभियान पर काम करने लगे। काशियाना फाउंडेशन के कामों से खुश होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काशियाना फाउंडेशन की सराहना कर चुके हैं। नशा मुक्ति ही नहीं, सुमित ने बनारस में करीब 100 परिवारों को गोद लेकर उन्हें न केवल वेश्यावृत्ति के कीचड़ से निकाला बल्कि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ भेजने का काम किया। आज वहाँ के बच्चे लगभग नशे से मुक्त होकर अपना उज्ज्वल भविष्य तलाशने के लिए शहर के नामी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। सुमित ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत वाराणसी के घाटों से साल 2019 में की थी। उन्होंने घाटों पर दुकान लगाने वाले या सामान बेचने वालों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। दुकानदारों ने भी शपथ ली कि अब वो अपनी दुकानों पर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों पर भी नजर रखेंगे, किसी को नशा नहीं करने देंगे। सुमित का अभियान दिन ब दिन रंग ला रहा है और लोग नशे से दूर होने के साथ ही अपने बच्चों और आसपास के लोगों को भी इससे दूर होने की सीख दे रहे हैं। सुमित के इस जज्बे को एक सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।